नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र पोखरण में जाकर शिव मंदिर में अभिषेक और पूजन किया गया। उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर में जाकर भी पूजा की। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्मगुरु संत प्रताप पुरी को हराकर विधायक बने सालेह मोहम्मद ने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का अपना एक अलग महत्व होता है। कुल मिलाकर हुआ ये कि जब उन्होंने पूजा की तो यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह जब चर्चा में आया तो उन्होंने यह कहा कि मुझे किसी भी धर्म में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। हुआ यह कि मंत्री सालेह मोहम्मद बुधवार सुबह शिव मंदिर क्षेत्र में थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनसे मंदिर में चलने का अनुरोध किया तो वे वहां चले गए। इसके बाद पुजारी के अनुरोध पर उन्होंने पूजा भी कर ली। पूजा करने के बाद वह उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि बाबा रामदेव के मंदिर में की गई पूजा चर्चा का विषय इसलिए नहीं बनी कि बाबा रामदेव को पीरों का पीर भी कहा जाता है और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में वहां पर माथा टेकने के लिए जाते हैं। कुल मिलाकर मंत्री जी को इस कार्य के लिए सराहना भी मिल रही है और मंत्री जी का यह भी कहना है कि उन्होंने दोनों मंदिरों में जाकर लोगों की अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी हैं ताकि लोग शांति और सम्मान के साथ रह सकें।